तो गाइस हमारा तो फाइनली समय आ गया है वापस जाने का और इस जगह को बाय करने का। मन स्पंसर तो नहीं कर रहा है बट जाना भी पड़ेगा क्योंकि हमारे पैसे खत्म हो गए हैं शॉपिंग में। देखा था ना शॉपिंग कितनी करी थी मेरे। क्या बोल रहा दोबारा बोलिए। तेरे हो गए खत्म हमारे पास अभी भी है। हाँ हाँ कार्ड के पैसे भी तो चुकाने ही है। चुकाने सभी चुकाएंगे पैसे तो हमारा जो सही है। छः सात दिन में भी दो देश घूम लिए काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया। हर जगह तो नहीं गए बट ठीक है अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी नौ दिन हाँ नौ दिन यार देखो ज़्यादा समय मिक्स फीलिंग्स हैं तो सात और नौ में फ़र्क भी ऐसा ही हो गया। बट ठीक है जब वापस आने का भी प्लान कर रहे हैं। अभी तो खैर सर्दियों का मौसम है जब थोड़ा सा गर्मियों का मौसम होगा ना उसके बाद तब थोड़ा सा आने का है। बाकी अभी तो क्या है अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट तक कि आपसे बात करते हैं एयरपोर्ट पे और तब तक आप बस तो के मज़े लो क्योंकि हम भी ले रहे हैं विद सैडनेस। ये है अलमाटी का एयरपोर्ट। छोटा सा है ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। मैं तो गाड़ी में सो ही गया था नींद ही आ गई थी मेरे को तो क्योंकि थोड़ी सी थकान भी हो गई थी और थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो गई थी इसलिए आज मेरा व्लॉग भी आज नहीं बन पाया। बट आज ये है कि अब चलो जा ही रहे हैं आखिरी दिन है तो यही व्लॉग आ पाएगा। चलो बाकी अंदर जाके मैं बात करते हैं ठंड तो हो ही रही है यहाँ। सर हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे सोचा था हम 3.5-4 घंटे पहले आ गए। हमें लगा कि इंडिया की तरह ही मतलब आपको इंटरनेशनल फ्लाइट है तो आपको एटलीस्ट 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ पता चला कि फ़्लाइट की जो टाइमिंग है ना उससे सिर्फ 2 घंटे पहले ही आपको मतलब जो विंडो है ना वो ओपन होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ना आप अगर आप यहाँ एयरपोर्ट पर भी चेक इन करते हो ना तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे इसलिए यहाँ पे वेब चेक इन इसलिए हमने कल ही वेब चेक इन कर लिया था। अपनी जो सीट्स थी ना वो डिसाइड कर ली थी तो अभी तो यार ये है कि हम वेट कर रहे हैं। अभी अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि विंडो ही ओपन नहीं हुई है बोर्डिंग पास ले नहीं सकते तो इसलिए अभी हम खाने के लिए यहाँ पे आ गए। अभी हमने खाना खाया फिर अभी हमने यहाँ पे खाना खाया है। और एक चीज़ और है कि यार इस कंट्री में लिटरली आपको वेज फूड नहीं मिलेगा। मतलब अलमाटी में भी आपको एक दो रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर मिल गए अदरवाइज फूड का बहुत इशू है। एयरपोर्ट पर तो है ही नहीं। हम लोगों ने तो अभी तनी राइस और पत्ता को भी ऐसा कुछ खाया है वो ढूंढने के बाद मिला। एक रेस्टोरेंट वाले ने तो मना ही कर दिया कि है ही नहीं अब यहाँ से जाओ। मैं ऐसे नहीं कहा कि जाओ बट है ही नहीं कुछ तो ये कि अभी तो वेट कर रहे हैं हम लोग कि जैसे ही देखो ओपन होता है विंडो ओपन होती है हम जाते हैं उसके बाद लाउंज का एक्सेस है हमारे पास। अगर लाउंज का एक्सेस हो गया तो वहाँ जाके 1-2 घंटे सोएंगे क्योंकि फ्लाइट में भी बहुत टाइम है। बस यार सच में कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है लोग भी अच्छे हैं मतलब बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको ऐसे मिलेंगे जनरली अगर आप उनको बोलते हो ना कि आप इंडिया से तो खुश भी होते हैं आपको नमस्ते वगैरह मतलब वो सब करते हैं। और बाकी तो सबको मालूम है जिम के मिथुन और अमिताभ बच्चन ये सब तो यहाँ फेमस हैं। चलो बाकी देखते हैं। 5300 तो पहले ही हो गए। अरे धीरे भाई धीरे भाई धीरे अभी तो अभी एक है हिसाब कर रहे हैं एक दूसरे को तू ये मैं वो चल रहा है। ये है अभी देखो थोड़ा टाइम हो ही गया हमें 1-2 घंटे तो हो ही गए हम जाते हैं जाके अभी देखते हैं विंडो ओपन हुई कि नहीं चेक इन वेक इन करते हैं यार सोने के लिए जगह मिल जाए तो मैं तो 1-2 घंटे सोता हूँ तबियत वैसी मेरी डीजी सी है और इसलिए आज खैर आज ऐसा कुछ किया भी नहीं था। आज दिन में ये लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे मैं तो अपार्टमेंट में सो ही रहा था। शाम को शॉपिंग के लिए गए थे थोड़ा सा ये फिर शॉपिंग करना है। इन ये लोग जिस भी शोरूम में घुसे हैं उस शोरूम से कुछ ना कुछ लाए हैं और बाद में फिर सामान तो मालूम है सेट करने में ज़्यादा हो जाता है तो बस वही है। देख चलो देखते हैं विंडोज़ की ओपन हुई है कि नहीं। भाई बहुत लंबी लाइन लग रही है यार यहाँ तो हद से ज़्यादा।
और हम सबसे पीछे ही खड़े हैं, हमारे पीछे कोई भी नहीं है। पूरी की पूरी बस ओ मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, पूरी की पूरी बस इंडिया वालों से भरी हुई है। ज्यादा आने लग गए कुछ। या बोल चलो आपको ना कजाकिस्तान की चॉकलेट खिलाते हैं। यहाँ से ली है, मैंने नहीं ली है, भाई साहब ने 15,000 की तो चॉकलेट ही खरीद डाली है, पता नहीं कैसी है। चलो एक बार खोलते हैं। पूरी की पूरी फ्लाइट तो भर गई। तो मेरा मोटा कहाँ गया? आ जा मेरे मोटे, रख दी क्या मोटे? तू नहीं आ रहा इसमें ना? ये मोटे मुंह मीठा कर ले। फ्लाइट के ऊपर जाने से पहले मुंह तो मीठा होना चाहिए ना। दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है। पता नहीं फ्लाइट लैंड भी करे, उड़ेगी भी नहीं उड़ेगी इसमें इतने भारी स्नोफॉल में। भाई एक और प्लेन भाई, पैसे बचे इतने सारे देखो हमारे पास, कुछ तो लिया जाए। मेरे पास जो पैसे बचे ना उसमें या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। नहीं 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 नहीं, मेरी चाय नहीं आ पाएगी। अरे सब आएगी। अरे नहीं आएगी चाय, मोटी के पास थोड़े बहुत तो है ना। अरे खुले पैसे खर्च करते हैं। अरे एक दो सिक्के तो चाहिए होते हैं। नहीं 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 नहीं, नो नो। अरे चलो, जिंदगी है भूखा, कहीं तो खाने के लिए छोड़ दिया कर। फ्लेवर्ड पानी भी ले लिया, स्प्राइट भी ले ली, ये भी कुछ आइस टी जैसा ले लिया, ये भी फ्लेवर्ड ले लिया। ये देखो हर जगह खाना है, हर जगह खाना है, बट ये अच्छी चीज़ है यार। ये फ्लेवर्ड है बट बहुत सही चीज़ है यार। तो गाइस ये जितना भी हमने ऑर्डर किया ना, ये सब ये भी किसी और फ्लाइट में होते ना तो कम से कम ये होता 3,000-4,000 का, और ये हमें सिर्फ फ्लाइट में मिला है 1,000 रुपये का। मतलब हमने करीब करीब 5,500 टेंगे दिए, खाए जा रहा है बढ़िया एकदम, मज़ा आ रहा है ना तेरे को? हंस के देखा कि सो गाइस फाइनली लैंड तो कर गए हैं। अब जाके यहाँ पे इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे, उसके बाद अंदर जाते हैं, फिर टैक्सी वैक्सी बुक करेंगे, फिर घर जाएंगे। ये लोग कहाँ रह गए यार, ये लोग भी आ जाएं उसके बाद। चलो इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं पहले। मोटे वापस मजा आ रहा है ना, वापस आके देख के आना। फोटो भी क्या लेगा, छोड़ दे बस। हम मेरी तो टैक्सी बुक होगी, इनको यहाँ छोड़ते हैं और जाते हैं। चलो बॉयज आई एम लिविंग, मेरी टैक्सी बुक हो गई है, जा रहा हूँ। टैक्सी मैंने करा ली बुक, 500 मेरी यहाँ से 500 में, तुम्हारी पूछी मैंने 7,000 बोल रहा था। कहाँ के तक की है? जयपुर तक की। सो वेल गाइस फाइनली वी आर बैक टू आवर सिटी, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और ठीक है, अभी तो ये है कि अभी तो मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ, अभी तो मैं यहीं गुड़गांव में स्टे करूँगा क्योंकि वो मेरा ऑफिस भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार वहाँ जाने से पहले, सो ऑफिस का काम भी है वो भी निपटा लें, उसके बाद वापस जाएंगे। सो बट ये है कि अभी तक की जो ये ट्रिप थी ये हुई, कंप्लीट हुई है। सो बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी उसमें बता दूंगा, और बाकी जो साथ में थे वो भी अपने निकल गए हैं, वो लोग अभी बस पकड़ेंगे जाएंगे, उसके बाद वो लोग अपने वो लोग जयपुर के लिए निकल जाएंगे। भाई साहब का बोर्डिंग पास खो दिया था तो उसको उसके लिए रोक लिया था, बट ठीक है बाद में वो रिजॉल्व हो गया। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा उसका आगे से ध्यान रखना, एंड अभी तो अच्छा लग रहा है। जाना है, सोना है, सुबह ऑफिस है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पूरे ट्रैवल करो और लेट नाइट पहुँचो, उसके बाद फिर जाना है ऑफिस जाएंगे, उसके बाद फिर
मिलते हैं आपको फिर अगले ब्लॉग में जल्दी। बाकी कुछ भी होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे पोस्ट कर देना या फिर वहाँ पे मैसेज कर देना, आई विल टेल यू द थिंग्स। दैट्स इट, चलो बाय बाय, गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग।